जय जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग मनीराज। खबर छत्तीसगढ़ में आगु बढ़बो। सावन महीना के हरियाली के संग तिहार के सिलसिला शुरू हो जाते और ये तिहार मन में धार्मिक आस्था ले जुड़े होए के संगे संग परिवार के एकता ला घलोक मजबूत करते। जेमा अधिकांश तिहार मन में नारी शक्ति के अहम भूमिका रहते। कभू पति खातिर तीजा करवा चौथ तो कभू भाई बर राखी। अब बेरा है अपन संतान के दीर्घायु और सुख समृद्धि बर हलषष्ठी यानी खमरछठ तिहार के, जेमा रतनपुर के महिला मन ये व्रत पूजा के विधि विधान ले पालन करीन। अर्थात रामचरित मानस के दोहा के अनुसार सफ़ेद कांसी के फूल ह पृथ्वी भर छा गए। मानो ये सफ़ेद बाल रूपी कांसी के फूल ह वर्षा ऋतु के बुढ़ापा प्रकट है करत है। अर्थात बरसात के आखिरी चरण में पड़ैया ये तिहार कमरछठ तिहार में कांसी के फूल के बड़ा ही महत्व है। जेमा रतनपुर के जम्मो पुत्रवती महिला मन अपन संतान के दीर्घायु और सुख समृद्धि के खातिर ये व्रत ल रहीन। ये दौरान जम्मो महिला मन अपन हाथ में पूजा के थाली लिए अपन पुरोहित के यहाँ जाके एक तालाब नुमा गड्ढा जेका सगरी कहे जाते, जेमा पानी भर के एकर चारों मुड़ा कांसी के फूल ले सजा के ओ तीर छह प्रकार के भाजी लैकन के खिलौना आदि रख के गौरी गणेश और हलषष्ठी देवी के विधि विधान ले पूजा अर्चना करी। सुहाग के समान अर्पित करत हुए पांच अध्याय के कथा सुनी, फिर आरती पूजा करके व्रत ला संपन्न करत हुए अपन लैकन मन ला नवा कपड़ा के चिंदी के बनाए हुए हल्दी पानी ले भिंजे हुए पोता ले आशीर्वाद स्वरूप छह बार थपथपी मार के संतान के दीर्घायु और सुख समृद्धि के कामना करी। के ज़्यादा दिन के दीर्घायु होए, बढ़िया से स्वस्थ रहे हमर लइका मन, हमर घर परिवार भरे पूरे रहे, ए नाम से हमन आज के पूजा ला करथन। आज के पूजा के दिन हमन बिना हल चले वाले सब्जी है भाजी है छह प्रकार के भाजी ला बनाथन। और जिन खेत नहीं जोता रहे तालाब में जो चावल मिलते जेला पसहर चावल उतरे थे ओकरे हमन पूरा पूजा में उपयोग करथन वही चाउर के। और वही चाउर ला हमन हा पका के भोग लगा के पूरा घर परिवार अपन सब जन मन खाथन। की जय। हमारे यहाँ करीब 17-18 साल से इस हलषष्ठी देवी का पूजा हो रहा है और जब से हम लोग पूजा कर रहे हैं हलषष्ठी देवी की, तब से हमारे घर में सुख संपत्ति संतान सुख शांति हर प्रकार की सुख समृद्धि हो रही है और इसी कामना से हम लोग आगे भी पूजा को भगवान हलषष्ठी देवी की करते रहें, यही हमारी कामना है।